वो अदनान ने खाना खाया था? क्यों, तुम्हें कब से फिक्र होने लगी उसकी? वैसे ही पूछ लिया था। शर्मी, तुम अपनी अंदर की औरत से हार रही हो। कब तक भागोगी खुद से? वो आप ऐसे ही पता नहीं क्या क्या सोच रही हैं, ये तो नॉर्मल मॉरल वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही पूछ लेता है कोई भी किसी के बारे में। अगर मेहमान आके रह रहे हो तो उनके खाने पीने का ख्याल तो करना ही पड़ता है। अपनी अना के हिसार को तोड़ दो, तोड़ दो। मैं अना की गुलाम नहीं हूँ पोपो, बात कुछ और है। वो तो छोटी सी बात है, जरा बराबर भी उसकी अहमियत नहीं है। हो सकती है बात छोटी, पर कभी कभी ना दिखने को तो पहाड़ भी नहीं दिखता, और अगर दिखना हो तो उस पहाड़ पे चलती हुई चूंटी भी दिमाग में चिपक सी जाती है। तुम्हारे फलसफे मुझे समझ नहीं आता। मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, बाहर कपड़े फैलाए थे, उठा लेना शायद बारिश। मगर पोपो आती होगी। देखो, मैं कमिटमेंट निभाने वाला शख्स हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे कहकशां से मोहब्बत थी और उसे भुलाने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं उसे भूल गया। तुम्हारे प्यार और तुम्हारी केयर ने बहुत आसानी पैदा कर दी इसमें। झूठ, सफेद झूठ। आप कभी उसे भूले ही नहीं, बल्कि उसकी याद को जिंदा रखने के लिए आपने मुझे भी उसी का नाम दे दिया। मुझे शर्मीन से कुकी बना दिया। 13 साल की खदमत का ये नतीजा मिला मुझे कि एक नाम मिला। मैं समझती रही कि वो मेरी मोहब्बत का नाम है, लेकिन वो तो जब तुम्हें वो नाम मिला तो तुम्हें मेरे साथ 13 साल क्या 13 घंटे भी नहीं हुए। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें अगली सुबह बता देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त कहकशां पूरी तरह मेरे जहन से नहीं उतरी थी, मैं उसे भूल नहीं पाया था। हाँ, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत था। मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता था। आई रियलाइज दैट वी वर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तो बहुत वक्त गुजर चुका था। फिर मैंने तुम्हें बताना चाहा, लेकिन मैं डर गया था। डर गए थे आप? डर गए थे अदनान? अदनान प्लीज, आप डर गए थे। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा वो कंट्रोल करती रही। मैं क्या पहनूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ नहीं जाऊंगी, क्या करूंगी, सब कुछ वो मैनेज करती रही वहां पे, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप डर गए थे। देखो ठीक है, उसने मुझे उन चीजों से मना किया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें मना किया तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि मैं उसको खुश करना चाहता। उस चीजें मुझे उसकी याद दिलाती थी। जब तुम साड़ी पहनकर मेरे सामने आई थी तो मुझे तुम में उसकी झलक नजर आई। मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहता था, ये सब कुछ उसे भुलाने की कोशिश। मेरे लिए कहकशां को भूलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम कतरा कतरा मेरे अंदर सराइयत कर गए। बहुत ही आराम से, निहायत ही गैर महसूस तरीके से तुमने कहकशां को रिप्लेस कर दिया।